इस वक्त देवी सिंह भाटी हैं, राजनीति में आपका एक बड़ा कद है, बेबाक अंदाज रहा है, दबंग अंदाज रहा है, आज भी उसी अंदाज को आप देख रहे हैं, हर सवाल पर एक बेबाक जवाब है। मौजूदा दौर में जो राजनीति में जो चेंज आया कोलाइट की, स्पेशली पॉलिटिक्स में मैं बात करूंगा, तो आपको क्या लगता है मोटा मोटी क्या बदलाव हो गया? नहीं, बदलाव ये देखिए, ये नोखा विधानसभा क्षेत्र से जब डिलिमिटेशन हुआ, पुनर्सीमांकन, तो उसमें 9 पंचायत जो नोखा में थी वो कोलायत तहसील की थी, इसमें वापस आ गई। उसमें एससी का बाहुल्य है और टोटल कोलायत कॉन्स्टिट्यूंसी में 42% एससी गए, 92,000 वोट, तो वो सबसे बड़ा कारण है। कि और इस दफ़े जो 2 अप्रैल को जिस प्रकार से ये SC ST एक्ट के अंदर विरोध और प्रदर्शन तोड़ फोड़ हुई, लोगों को नुकसान पहुंचा है, उसके बाद से जो काफ़ी संख्या में जो मेघवाल समाज के अध्यापक हैं, उन्होंने बहुत जहर फैलाया समाज के अंदर और सब के बीच में एक खाई खड़ी कर दी, तो वो बहुत बड़ा कारण रहा। उसका भी असर आया भी है 2 अप्रैल का, के पूरे राजस्थान में मेघवालों ने कहीं भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिए। देव सिंह भाटी एक वो नाम रहा है कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जिसके हिस्से में जीत रही 2 चुनावों में, जिस तरह से आपने देख रहे हैं ये परिवर्तन जो हुआ, आप कह रहे हैं कि SC ST वोट बैंक में, तो वो एक फैक्टर हुआ, वही है बड़ा फैक्टर। SC वोट 42%, ये तो रिजर्व हो गई थी और उस समय किन्हीं कारणों से 0.01% से इसको जनरल में रख दिया, तो वो बहुत बड़ा कारण है। आपको ये भी माना जाता है कि जब भी आपने विरोध के तेवर दिखाए हों, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत के टाइम में, चाहे वो वसुंधरा राजे के टाइम में, तो आपके तेवर और आपके अंदाज बड़े तीखे हुआ करते थे, क्या कारण क्या रहा इन सब चीज़ों? देखिए, प्रकृति प्रवृत्ति ये कोई बदलती नहीं है किसी के बनाने से, कोई क्लासरूम में जाने से नहीं बदल जाती, ये स्वाभाविक होता है। जैसे ऊपर वाले ने स्वभाव दिया है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और इसी दौरान भले ही पिछला चुनाव में नहीं जीता, तब भी मैं तो उसी हिसाब से, जहाँ भी अन्याय हुआ, जहाँ भी चाहे सरकार केंद्र में राज्य में बीजेपी की थी, तब भी हम तो सड़कों पर आए, वो कोई कारण नहीं है साहब, प्रकृति स्वभाव ये नहीं बदलता, वो बदलेगा भी नहीं। आज की दौर में देखते हैं कि जितने भी बड़े नए नेता हुए हैं और वो जब रैलियां करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं और फिर भी वो भीड़ नहीं, हमने वो दौर देखा है कि देवी सिंह भाटी सिर्फ बोलते थे और लाखों लोग, बीकानेर की सड़कें जाम हुआ करती थी, कहते हैं कि ट्रैफिक 10-10 घंटे बाद खुलता था, तो वो क्या, वो प्रेम और प्यार अभी भी है, एक रात में मैसेज करते हैं और सुबह हजारों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने अपने साधनों से, जैसे भी पहुंचो, उनको विश्वास है कि भाई ये हमारे साथ दगा धोखा नहीं करेगा, जो कहता है वो करता है, इसलिए वो प्रेम आज भी पूरे राजस्थान में भी कहीं भी जाऊं तो वहां लोग तैयार खड़े रहते हैं, तो वो प्रेम अभी भी है और मुझे लगता है कि ये कायम रहेगा। आप क्या देखते हैं कि राजस्थान में जो इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो वो क्या सिर्फ एक वसुंधरा राजे के प्रति लोगों की नाराजगी थी उस वजह से हो गई, या कुछ और कारण जिनको आप जानते हैं? कि नहीं, यहाँ क्या है कि राजस्थान में एक वोट बैंक बना हुआ है जो अभी टूटा नहीं है, बाकी यूपी बिहार अन्य प्रदेशों में बिखर गया, और यहाँ से क्या शुरू से राजाओं का और जागीरदारों का ये राज रहा है, और उस हिसाब से यहाँ वातावरण जो बना है, तो उसके कारण से वोट बैंक अभी भी कांग्रेस का, जैसे SC के हैं, ये मुसलमान हैं, दूसरी समाज हैं, वो तो उनको बिना प्रचार के वोट मिलते हैं, तो वो एक दफ़े अब दूसरा कांग्रेस आती है तो दूसरे एक बार फिर आ जाता है, और एंटी इनकम्बेंसी का भी असर आता है, लेकिन जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि भाई 20-25 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आएगी और 70 से ऊपर पहुँचे, तो वो कोई कारण नहीं था। ठीक है, ये कई फैक्टर होते हैं कि जिसमें टिकट वितरण का होता है, सिटिंग के प्रति थोड़ी नाराजगी भी होती है, तो कोई मंत्री रह जाते हैं तो उसके कारण से कई फैक्टर होते हैं, तो ऐसा कोई था नहीं कांग्रेस की कोई ऐसी उपलब्धि या ऐसा कोई मूवमेंट या लोगों का लगाव नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत उस बीजेपी के कारण से ही कांग्रेस आई है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर राजपूतों में जो एक नाराजगी रही इन चुनावों में कि कई परिवर्तन हुए, जैसे कि भाजपा के जो मूल में जो माने जाते थे जसवंत सिंह जी, उनके बेटे भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, तो दूसरी तरफ भी राजपूतों का नाराजगी थी, जसवंत सिंह जी का टिकट कटने को लेकर लोग नाराज थे, तो खासतौर पे राजपूत जो नाराज थे, क्या वो असर भी रहा? नहीं नहीं, वो कोई असर नहीं रहा। देखिए, उस समय ठीक है, घटनाक्रम ऐसे हुए,
समय पर सरकार ने फैसले नहीं लिए, लिए भी पर बहुत लेट लिए, तो थोड़ा लोगों का विश्वास टूटा, नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, यहाँ वोट बैंक बना हुआ है, ये जो चाहे राजपूत है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, ओबीसी है, इनको तो जहाँ बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था वो फिसल कर कांग्रेस के पास चला गया। नहीं, कांग्रेस में नहीं, ये तो कैंडिडेट के ऊपर गया कि कहीं राजपूत आ गया तो उसके साथ हो गए। ये थोड़ा जाति वाला तो पूरे हिंदुस्तान में है ही, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं रहा। नहीं तो ये 70+ सीटें कहाँ से आती। लेकिन आप कहीं ये मानते हैं कि एक टाइम योगी था जब आप भी वसुंधरा के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते? ना, मैं सबके प्रति करता हूँ, कोई भी हो जो सही है वो कहूँगा, चाहे वो वसुंधरा जी हो और चाहे नरेंद्र जी मोदी हो या कोई भी हो, बात को तो बात कहूँगा। तो जो सामाजिक न्याय मंच आपका था वो न्याय की बात करता था, तो सामाजिक न्याय मंच से फिर आप बीजेपी में आए और फिर एक वापस आप उस मूलधारा में आए, तो ये सब परिवर्तन सामाजिक न्याय मंच बना इसीलिए था कि ये जो आरक्षण के अंदर एक जाति हो रही थी, तो वो उस समय हमने एक संगठन बनाया था, आरक्षित को संरक्षण और उपेक्षित को आरक्षण, तो उसके अंदर हमें पार्टी से निकाल दिया, संगठन बना लिया, लोगों ने साथ दिया, मैं पुनः जीत गया, कुछ सीटों पर हम थोड़े वोटों से रह गए। लेकिन सवाल ये कि भाई मूल रूप से हम कांग्रेस विरोधी विचारधारा के हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग पार्टियां जैसे रही, पहले जनता पार्टी में था, उससे बना, उसके बाद जनता दल हुआ और फिर बीजेपी में आ गए। पर बात रखूंगा, ये कोई कारण नहीं है कि कोई पार्टी कोई हुक्म दे। मैं तो उन सिस्टम का भी मैं बहुत विरोधी हूँ कि जिस प्रकार का डेमोक्रेटिक सेटअप हिंदुस्तान में लागू किया है, ये आम हिंदुस्तानी के लायक नहीं है, हिंदुस्तान की परिस्थितियों के लायक नहीं है, क्योंकि ये देश समाज के माध्यम से परंपराओं और संस्कारों से चलने वाला था, जहाँ आम सहमति से निर्णय होते थे, चाहे गाँव हो चाहे शहर का मोहल्ला हो। यहाँ अंग्रेजों का विरोध किया, नाटक किए आज़ादी के, और वो के वो कानून रख लिए, जो अंग्रेज जिन्होंने कानून थे कि देश की व्यवस्था को फेल करने के लिए और सारे संस्कार और परंपराएं खत्म कर दो, उन कानूनों को आज तक हम ढोए फिर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इस सिस्टम से खिलाफ हूं। यहां अपनी पार्टी में आप अपनी कोई बात ही नहीं रख सकते। अगर कार्यकारिणी की यहां प्रदेश में केंद्र में बैठक होगी, जाओ आप सज धज के चोले कुर्ता पहन के, लेकिन बोलेंगे वहां स्टेज के कुल 4-5 ही, उनका भाषण सुनो और आ जाओ। अभिव्यक्ति वाली बात यहां है नहीं, जो इस प्रजातंत्र की जो बात कही जाती है वो मुझे लगता नहीं। इसलिए समय समय पर ये मुद्दे उठाता हूं मैं। और सिस्टम के भी लीडर समय समय पर ये कहते रहे हैं कि वसुंधरा राजे के दरबार में जो उनके नेता हैं वो खुलकर अपनी अभिव्यक्ति की बात, जो उनकी स्वतंत्रता है, वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसा हो रहा था? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप, वो महिला हैं, उसके बावजूद भी उनका कितना मिलना जुलना, ये एक सीमा होती है कि भाई जैसे भैरों सिंह जी शेखावत थे, तो उनके तो हम देखते थे कि बेडरूम में भी गपशप चल रही थी, वो मालिश करवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब भी होता था। इनकी एक महिला के कारण से है, कुछ राज परिवार से भी हैं, कुछ अपनी परिस्थितियाँ होती है, लेकिन मिलना जुलना तो रहता ही था, नहीं तो वहाँ भीड़ काहे की रहती थी, चाहे ऑफिस के अंदर बंगले के अंदर समय लेके लोग जाते थे मिलते थे। अब जो बीकानेर की राजनीति में है, इसमें आप अपना रोल कहाँ मानते हैं? इस बार आपने अपने पुत्र वधू को मैदान में उतारा। मैं जनता के बीच में रहूँगा और ये मेरे स्वभाव में कि कोई भी आ जाए जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो मैं मुद्दा लगातार उठाता रहा हूँ और करूँगा उस हिसाब से। और बीकानेर की राजनीति, ये राजनीति मैं बहुत गंदी समझता हूँ, यहाँ सिर्फ लोगों को यूज़ किया जाता है और उसके साथ ठगी होती है। ये व्यवस्था सारी कॉरपोरेट्स की है, मतलब जो आप देखिए इस व्यवस्था के अंदर प्रजातंत्र में, हमारे बाप दादा जो थे खेत में काम करते थे, व्यापार करते थे, जब पशुपालन करते थे, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ सुबह 4 बजे से शाम तक काम करते थे, कोई छुट्टी नहीं होती थी और किफ़ायत से जीते थे, लेकिन वो लखपति कभी नहीं हुए। इस सिस्टम में प्रजातंत्र में जो कल पेट्रोल पंप पर तेल भरता था धीरू भाई अंबानी, वो अपने जीवन काल में खरबोंपति हो गया। ये अडानी का नाम कभी 30 साल में कभी हमने सुना नहीं, और रोजाना ये आपके मीडिया में आती है खबरें कि 9 आदमियों के पास पूरे देश में जितना धन है वो उनके पास में कभी 1%। तो ये व्यवस्था सारी कॉरपोरेट्स की है, ये आम आदमी के लायक नहीं है। हम भोले लोग हैं कि अब ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं। जो समझता है उसको बोलना चाहिए, इसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि आखिर 70 साल में हम कहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे विभाग अलग अलग मंत्रालय बने, किस विभाग में आज न्याय की बात होती है? आप अस्पताल जाओ, थाने में जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, कहीं भी जाओ, आप उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो। की आवाज़ एक बड़ी मुखर होती थी, तो क्या लगता है कि आज भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उस सिस्टम को वापस एक नए सिरे से रिफॉर्म करना चाहिए? नहीं नहीं, हो रहा है। देखिए ये बदलने वाले लोग नहीं हैं, हर पार्टी का राज रह गया ना,
चाहे कोलिशन थे या कैसे भी थे साथ में, सब आगे कम्युनिस्ट से लेकर बीजेपी कांग्रेस, किसी ने भी अंग्रेजों के कानून बदलने की कोशिश नहीं की। ये रोज आती है कि साहब हम पुराने कानून इतने खत्म करने जा रहे हैं, कितने हैं किसी को ध्यान भी नहीं है। और अब लोग उब चुके हैं। मैं स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं जाता हूँ पूरे देश में, तो लोग अब उब चुके हैं इस व्यवस्था से। तो लोग कोई लगे पानी रोकने में, कोई पेड़ पौधे लगाने में, कोई रास्ते बना रहे पहाड़ काट के उड़ीसा में उसका क्या नाम, और कोई सामाजिक सरोकार में, कोई देसी चिकित्सा में। अब एक ग्रुप बनाए जिसने कहा कि हमारे को चाहे जेल में डाल दो, हम इस सरकारी व्यवस्था के पास नहीं जाएंगे, चाहे पड़े रहेंगे, इसमें कभी न्याय और रास्ता बन ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे लोग अपने आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आएगा ये कानून, बड़े अपने रखे अपने पास में। लेकिन ये बहुत गलत है कि भाई आप कानून और नियम से इस देश को चलाना चाहते हैं। ये देश परंपराओं से, संस्कारों से चलने वाला था, आम सहमति से। यहाँ भूमि अवाप्ति होगी, सीधा कंठ पकड़ के तेरी जमीन अवाप्त कर रहे हैं। और पहले गौचर छोड़ दी, तालाब कहाँ खोदना, गांव ने तय कर लिया ये यहाँ तालाब की जगह, ये कैचमेंट है, आगोर है, पांच पांच छह छह किलोमीटर में बिना अवाप्ति के आम सहमति से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारे कोई लड़ाई झगड़े पार्टीबाजी इतनी थी भी नहीं। और जैसे आता है कि पंचायत के चुनाव, गांव में दो पार्टी, वो उसको हराने में, वो जिताने में, उसको बाद में कचड़ी में जहाँ भी जाओ वहाँ उसको फंसाने में, उसको काम नहीं करने देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ये उसके बाद में आपके प्रधान एमएलए एमपी के चुनाव, करोड़ों रुपए खर्च, इवन कॉलेज और स्कूलों के अंदर लाखों रुपये, करोड़ रुपये, अभी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में 2 करोड़ रुपये लगे प्रेसिडेंट के। इस व्यवस्था में ये तो आपस में लड़ाना, जिससे आप जो वहाँ जयपुर और दिल्ली में जो कर रहे हो कुछ कबाड़े, तो हमारी तरफ ध्यान न बदलो, इसी में उलझे रहो, इसी में लड़ाई लड़ते रहो। तो ये व्यवस्था कभी भी दिशा नहीं बना सकती। राजनीति आजकल तो हनुमान को दलित और कोई जैन बना देता है भी, ये नहीं, वो किसी का भोलापन है। देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो पवन से जुड़ी हुई चीज है, और वो तो अमर हैं हमारे हनुमान जी, जो 8 विभूतियाँ सशरीर जिंदा हैं, उनमें से हनुमान जी है, आला है, दूसरे भी। तो ये थोड़ा सोच ठीक नहीं है कि भाई आप कहाँ, अपनी तो बात करो यार, कहाँ आप भगवान को, हमारे आस्था का केंद्र है उसकी जात और पुराना बिरादरी, ठीक नहीं। तो राजनीति में लगता है कि बीकानेर में जब आज भी राजनीति की बात होती है, तो जो एक तेज तराट नेता और उनकी बात उठाने वाला नेता देवी सिंह भाटी हो, तो क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर चाहे आप हार रहे होंगे, लेकिन जज्बाती तौर पर लोगों को लगता है आज भी काम कराने के लिए देवी सिंह जी उनके लिए एक सशक्त माध्यम है? अब ये लोगों से पूछ लो, मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं है। मुझे तो और ऐसा कोई डेडिकेशन के साथ में न्यायिक दृष्टिकोण लेके चलने वाला हो जाएगा कोई, देखो। क्या लगता है अब आप जो राजस्थान में राजनीति बदली है, सत्ता बदल गई है? नहीं, सत्ता कई बार बदली है, क्या फर्क पड़ता है? कितनी सत्ता दिल्ली में, राजधानी बदली, अपने प्रदेशों में बदली, क्या फर्क पड़ा? ये तो यहाँ तय है। ये जैसे हरियाणा में होता है, केरला में होता है कि एक साल रामलाल मंदिर की पूजा करेगा, दूसरे साल उसका भाई हरिराम, तीसरे साल वापस रामलाल। ये तो पुजारियों की बारी है, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई भी आप देख लो। तो आप इन सबको पुजारी मान रहे हैं? नहीं, पुजारी नहीं है, मैं इस व्यवस्था में दोष है, इसलिए कोई कुछ कर नहीं सकता। आप सब कुछ एक निर्णय, और आप किसी बात की परवाह नहीं करते। कोई अगर गालियां देगा दे, मैंने निर्णय लिया और एक कोर्ट से स्टे मिल गया, बैठे रहो, रोम रहो, आपके 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अब नहीं चलेगा। अभी गडकरी जी भी ये बात कह रहे थे कि मैं क्या करूं, वायदा मैंने किया था, कोर्ट से स्टे आ गया। तो इस व्यवस्था में घुन लगा हुआ है, और घुन लगा हुआ कभी वो तो अनाज अंकुरित नहीं हो सकता। मानते हैं कि इस ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर कुछ अंकुरित नहीं हो सकता, तो वो आम आदमी, वो एक लेमैन, वो कहाँ रोना रोएगा ना, उसके हाथ में क्या है? अपनी अपनी जगह जो समझता है, मैं यही तो कहता हूँ कि वो इस बात को, मुद्दे को उठाए, आपस में चर्चा बहस हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा बन रही है। कॉर्पोरेट्स के सामने कोई भला ही सत्ता में आ जाए, क्यों नहीं कर सकता? तो क्या राजनीति अब इस तरह से ही चलेगी? हाल फिलहाल पूरी दुनिया में यही ढंग है। इस व्यवस्था में आप कभी भी उम्मीद मत रखो कि कोई सही रास्ता बनेगा। उम्मीद करें किससे फिर जनता? नहीं, खुद को अब सोचना चाहिए। देखिए, दूसरा आके भला करने वाला है नहीं कोई, जो अब जिसने अनुभव किया है, अब वो देखे, आंकलन करे कि यार इतने 70 वर्ष में हम कहाँ पहुंचे हैं, आगे क्या होगा। यहाँ कहते हैं कि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम जो चाहें बोल रहे हैं, जो चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अलग देश के टुकड़े करने का दिल बोल सकते हो, लेकिन कोई पुलिस वाले से सवाल करके तो देख लो।
अभिव्यक्ति कैसी होती है, व्यवस्था के सामने मुद्दे उठा दो तो आपके खिलाफ, ऐसा कि भाई ये 307 के मुकदमे में पुलिस के द्वारा कोई कहीं भी आपको धरना तक नहीं, जब कहते थे आज़ादी के लड़ाई में धरना हड़तालें करने का, अब तो करते ही ठोकते मुकदमा, परमिशन नहीं मिलेगी, वेस्ट बंगाल में आप रैली नहीं कर सकते, जो भी है ये व्यवस्था में कभी भी, इन सारी व्यवस्थाओं से जो नाराज देवी सिंह भाटी है वही कभी सचिवालय में किसी IAS और IPS को एक थप्पड़ मारने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो विरोध को आया जब आपके कोई भी आपस में सत्ता वालों से नहीं बनती है, व्यवस्था से नहीं बनती है, तो कोई ना कोई उस प्रकार के आरोप तो लगाए जाते हैं, वो लगाते रहे, लेकिन नाराजगी का मेरा कारण नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इस व्यवस्था में आप देख रहे हो और क्यों भुगत रहे हो, आज मुझे इस व्यवस्था में बता दो कि हिंदुस्तान में कोई एक जगह ऐसी है जहाँ कोई कह दे कि मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ, जिस प्रकार के स्टोरेज हैं, टंकियों में कबूतर मरे हुए, कीचड़ पड़ा है, पाइपलाइन आ रही है आपके गटर लाइन से जुड़ी हुई, क्या कर लोगे आप, ये कभी भी ये दिशा नहीं बन सकती। अब इन सब व्यवस्थाओं से आपके अंदर एक आक्रोश है, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर तो क्या लगता है कि एक पहला बदलाव कहाँ से हो? पहला बदलाव मैंने सोचा, ऊपर वाले ने दिशा दी, क्योंकि मैं पिछला चुनाव जो जीता नहीं था, ऊपर वाले ने इशारा किया कि तू अब ये चुनाव छोड़, तेरे टेलीफोन कहने से तेरे सारे बिजली पानी स्कूल अस्पताल सारे हो जाते हैं, आम जगत का कल्याण हो वो काम कर। तो मैं नाड़ी देखना नहीं जानता, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और मैंने संकलन करके ये एक छोटी किताब निकाल दी जिसमें आपका घर बैठे सारे इलाज होंगे, तो मेरा कम से कम वहाँ उससे तो पीछा छूटेगा अस्पताल से चक्कर काटने पर, जहाँ इलाज भी नहीं होता। हमारी इस व्यवस्था के अंदर क्या है कि ये डॉक्टर और वकील कभी मना नहीं करते, चपेट में आए जा। तो ये मैंने प्रयास किया और ये लिख दी, ये इसका जब ओपनिंग की थी तो उस समय 1.5 महीने में 28,000 इसकी कॉपियां बिकी, और बाद में मैं पूरे जगह जगह विमोचन करके आया हूँ, तो एक दिशा देने का प्रयास किया। अब इसमें सारा लिखा हुआ है, जुकाम कानों में रुई डाल लो तुरंत ठीक, इसमें हार्ट का लेप एक बार कर लो जिंदगी भर आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे नुस्खे दिए, तो एक दिशा बनने का प्रयास किया। तो दिशा बनाने का ये प्रयास है, और इसी में हमने रसायनशाला चालू की है, और उसमें हम ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं कि मामूली पैसों से आपके सारे इलाज हो जाते हैं। सिर्फ विरोध करते रहो, थूक उछालते रहो, उससे कोई रास्ता नहीं बनेगा, खुद करके इनिशिएशन करके आप आओ समाज के सामने। और लोग इस प्रकार से किताब ले रहे हैं, खेती उस हिसाब से करने लगे, ये मकान ऐसे झोंपड़े बनाने लगे, तो कोई ना कोई पार्ट में करूँगा, कुछ और कर रहे हैं, कोई साउथ में कर रहा है, कोई ईस्ट में कर रहा है, लगे हुए लोग। राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ठंड राजनीति किसी काम की नहीं है, ये राजनीति हमारी कहाँ है? न्याय की आप उम्मीद रखो, व्यवस्था से संतुष्ट हो, कोई आपको अपना लगे, व्यवस्था के जो करता धरता है आपको लगे कि आहा क्या यार आज मिला हूँ मैं फला कार्यालय में उस अधिकारी से, आनंद आ गया, कांपता है आदमी, उसको लगता है कि मेरे साथ यार ठगी होगी, कितना बेचारा गाँव वाला चक्कर लगाता है, अनपढ़ आदमी। तो इस व्यवस्था से कोई उम्मीद मत रखो, सारी अंग्रेजी व्यवस्था है, वो कानून ही इसी से आपसे बनाए थे कि इस देश की व्यवस्था को बर्बाद कर दो, संस्कार खत्म कर दो, लूट लो, और वो तो कर गए, लेकिन ये और सारे लग गए। तो क्या आप अपने पोते को भी राजनीति की तरफ लाने का कोई प्लान आप? देखिए मैं तो चाहता हूँ कि वो आए, ये हमारे खून में है, ये हमारे जीन्स में है। सबसे पहले जब हम गांव बसाते थे तो सब 36 कौम को विश्वास दिलाते थे कि कोई डाकू आएगा आता ही आएगा, सबसे पहले मैं और मेरा परिवार खत्म होगा, तब कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सकेगा। और इतिहास भरा पड़ा है, एक के बाद एक साकेर जौर हुए, लेकिन वो बात नहीं छोड़ी कि आम जनता दुखी नहीं हो। कितने कितने उत्तर से ये सारे मुसलमान और ये सारे लुटेरे आए, सबसे पहले जो राज करता था वो मरता था, तो वो हमारे खून में, हम अगर चुप रहे तो रह नहीं सकते, लोग आएंगे तो हम जवाब नहीं दे सकते कि भाई अब हम आपके कोई सुरक्षा या न्याय की बात या पैरवी की बात नहीं करेंगे, वो है खून में, आना चाहिए। मैं नहीं अगर रोकूंगा, मैंने रोका है मेरे पोते को बार बार पर वो नहीं रुकते, लोगों का विश्वास है, विश्वास है हासिल जब तक जाएंगे, बाकी खून में है, जींस में है, वो रहेगा। तो मान के चलेंगे अगर बीकानेर और खासतौर पे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं अन्याय की बात होगी तो न्याय के लिए अभी भी आपकी तरफ ही लोग एक उम्मीद की नज़र से देखेंगे? बिल्कुल, जैसा भी है, देखिए अभी एक घटना हुई थोड़े दिन पिछले साल ही,
वहाँ रावाला गांव में एक ईद नमाज की जगह थी, खुले ताल के अंदर सपाट मैदान में दो बार साल में ईद नमाज पढ़ते थे। किसी ने बिना कारण विरोध किया कि हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। प्रशासन तो अपना हाथ पैर जाबता करके उसके तारबंदी कर दी, 145 में उसको कुड़क कर दिया, फोर्स लगा दी। लोग आए मेरे पास के साहब हम ईद नमाज के बगैर रह गए। अभी मैं गया पिछली ईद नमाज के समय और वहाँ सारी फोर्स खड़ी थी। मैंने कहा नहीं कैसे रोक सकते हो, साहब कुड़क है। मैंने कहा कर दो मुकदमा, गोली चला दो, लाठी चला दो, ईद नमाज पढ़ूंगा। ये क्या व्यवस्था है, आपने कुड़क कर दिया, बाद न्याय की कोई कर नहीं रहा है, ये कोई तरीका है? और उसी समय जैसे नमाज का टाइम हुआ सारे दौड़ गए और फिर दूसरे भी समझ गए कि साहब हम गलत हैं, इनको नमाज तो पढ़ने दो। कोई भी कैसा भी दिक्कत आती है मेरे से रहा नहीं जाता और मैं किसी को वापस नहीं, अन्याय के साथ कभी नहीं जुड़ता। तो जो है सो है, जो मुझे समझ में आता है सही लगता है वो मैं करता हूँ। बस तो मुसलमानों को एक मान लीजिए कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, लेकिन जब कोलायत में आपकी जो पूरी पट्टी में जो सिंध मुसलमान जो रहे हैं वो सारे आपके जबरदस्त समर्थक रहे हैं, तो क्या वो अब उनमें भी कुछ बदलाव आया है? नहीं नहीं, वो जहाँ ये मुल्ला मौलवी पहुँच गया ना, जो वहाँ का अरब का पैसा आ गया इन मदरसों के माध्यम से, तो वो यूपी बिहार से आते हैं और वो इनको भड़काते हैं, ऐसा पहनो, इनका घर पर नहीं जाओ। जबकि हमारा पहनावा हमारे हिसाब से जैसे शादी होती थी तो तोरण इनके मुसलमानों के, वही हिंदुओं के देवताओं के फोटो और सब कुछ, उनकी रीति रिवाज पूजा वगैरह सब करते थे। तो इन्होंने भड़का कर दीवार डाल दी, तो आम मुसलमान फिर भी अच्छा है। तो ये जो सीमा पे जो बॉर्डर पे जो आजकल जो मुसलमान हैं इनके भी पहनावों में एक बड़ा बदलाव आया? हाँ आ रहा है ना, धीरे धीरे वो औरतें सलवार कुर्ता जैसे वो कहते हैं वैसे करने लगे, वो टोपी रखने लगे। टोपी कहीं थी क्या मोहम्मद साहब की? नहीं थी, पर ये इन्होंने एक अलग दिखाने के लिए। ये जो अब 5 साल राजनीतिक तौर पर देवसिंह भाटी कैसे गुजरेंगे आपके, क्या इन 5 साल? मैं हर घड़ी हर पल को जीता हूँ, मैं सर पकड़ के दीवारों से टकरे नहीं खाता हूँ। मुझे जो लगता है सही है वो मैं किए जा रहा हूँ, कोई समय सीमा तय नहीं है। अब अभी जवानी आ गई है 73 साल की, इतना शरीर और दिमाग काम देगा तो करते रहेंगे, पर किसी से दब के नहीं जीना, सही बात है वो रखना, और वो हिसाब से मेरे स्वभाव में चल रहा है। 73 ईयर के जवान देवी सिंह जी भाटी इन्हीं की जवान से आप सुन रहे हैं, तो लगता है कि बीकानेर की राजनीति तो इसी तरह से जवान रहेगी, दबंग रहेगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी जब तक 73 ईयर के जवान होंगे, तो ये शहर कम से कम अन्याय को सहन तो नहीं करेगा। शायद राजनीति में ये एक बड़ा संदेश है कि किसी भी शहर की किसी भी विधानसभा की आप राजनीति करिए, लेकिन ये तय है कि अगर आप अपनी राजनीति में एक अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो जनता आपको उतना ही प्रेम देगी जितनी कि क्षेत्र में देवी सिंह भाटी को देते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि कभी जनता दल में, कभी निर्दलीय, तो कभी सामाजिक न्याय मंच, तो कभी भारतीय जनता पार्टी से, जिस बैनर पर ये खड़े हुए हैं जीत कर सामने आए हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं कुछ बदली हैं, वोट बैंक के कुछ तरीके बदले हैं, उस वजह से पिछले 2 चुनाव में देव सिंह भाटी एक हार को देख रहे हैं, लेकिन देखिए उम्मीद ये है कि अपने आप को आज भी उतना ही जवान मानते हैं और मानते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ता रहूँगा और ये मेरे मिशन में और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है। व्यवस्थाओं को लेकर, सिस्टम को लेकर इस खुद में एक आक्रोश है, चाहते हैं कि सिस्टम बदले, ब्यूरोक्रेसी में कुछ चेंजेस हों और समाज में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं पर कहीं कहीं फिर से काम हो, तो वहां से समाज फिर एक नई दिशा में जाएगा।